माझ्यासोबत स्वागत आहे. आणि आज आपल्यासोबत एक विशेष व्यक्तिमत्व आहे. आपण आता मीरा भांद्रेमधील महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेवेचे शहर संघटक हरीश सुतार यांच्या ऑफिसमध्ये आहोत. आणि याच ऑफिसमध्ये एक आपल्यासोबत विशेष व्यक्तिमत्व आहे, मिस वर्ल्ड. आणि त्यांना मिस इंडियाचाही 3 वेळा खिताब मिळाला आहे असा विशेष व्यक्तिमत्व श्वेता राठोडजी आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. मॅडम, क्या बताएंगे आपका जो जीवन प्रवाह इस पोस्ट तक बड़ा है, इसके बारे में क्या बताएंगे? पहले पहले जय महाराष्ट्र. और मैं बहुत खुश हूँ कि महाराष्ट्र और मुंबई मेरी कर्मभूमि है. और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं बहुत ही खास इंसान के ऑफिस में बैठी हूँ, हरीश जी की. एंड थैंक यू सो मच राजी मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा मीरा भेंदर राइट, ये मीरा रोड का एरिया है जहाँ बैठे हैं. बहुत ही प्रोग्रेसिव एरिया है. और जहाँ तक बात मेरी जर्नी की है, तो मैं ये कहूँगी जो कि आपने बता दिया है कि मैंने इंडिया के लिए मिस वर्ल्ड, मिस एशिया और हैट्रिक मिस इंडिया का टाइटल लिया है फिटनेस फिजिक के अंदर, टू इंस्पायर यूथ. जो हमारे जितने भी लोग हैं उनको इंस्पायर करने के लिए कि फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उसी के ऊपर मैं काम कर रही हूँ और काम करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि फिटनेस आपका फंडामेंटल राइट है. एडुकेशन तो है ही, बट फिटनेस जब तक नहीं होगी, मेंटल फिजिकल फिटनेस, तब तक आप एडुकेशन को भी पर्सनली प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर सकते. तो इसी चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं. और हमारी प्लानिंग है कि हम मीरा भेंदर के ऊपर बहुत अच्छा स्टूडियो लेकर आए, जो कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो निवासी हैं और लोग हैं उनको एक अच्छी फैसिलिटीज़ मिल पाए, जिसके अंदर वो मेंटली फिजिकली बहुत अच्छे से फिट हो सके. और जो भी इसके अंदर मेरे एक्सपीरियंसेस मैंने अभी तक देखा है वर्ल्ड वाइड और सीखा है, उनको मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को उनको डिलीवर कर सकूँ. भैया, इतने बड़े हॉस्टल में पहुँचे जी, तो उसके बारे में पीछे किसी ना किसी का हाल होता है जी. वैसे आपके लाइफ में किसी का, जैसे कि मम्मी डैडी या फिर कुछ किसी का नहीं, अगर मैं ये बोलूँ मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं रहा है, बिकॉज मैंने हमेशा ऐसी चीजें ही चूज की हैं जो हमेशा मेरे दिल ने बोला है, मैंने उसको फॉलो किया है. बट हाँ, लकीली मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी अपने माता पिता, अपने भाई का, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और इनकरेज किया है. बट मैं इसमें विश्वास रखती हूँ, जो सपने आपके होते हैं अगर आप किसी और के आंखों से देखते हैं तो वो सपने आपके नहीं होते राइट. तो कहीं ना कहीं आपका दिल और आपका दिमाग जो बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ राइट, तभी अब आपका 100% हर एक चीज के अंदर डाल सकते हो. जैसे कि अभी आपको पता है नारी, यानी बहुत सारे लोग नारी को कमजोर मानते हैं या कमजोर माना करते थे. अभी आप बॉडी बिल्डिंग में हो या फिर आपके तौर से हमारे चैनल के माध्यम से नारी शक्ति को क्या मार्ग मिले? देखिए, मेरा ये मानना है जो उनको कमज़ोर मानते हैं उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगी. बट मेरा ये मानना है जो सशक्त औरतें आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने नाम लिया मेरे भाई का, मेरे पिता का. तो एक सशक्त औरत बनने के लिए, एक फीमेल स्ट्रांग बनने के लिए कहीं ना कहीं उस तरह के स्ट्रांग मैन के सपोर्ट की ज़रूरत होती है राइट. और जो पुरुष अगर औरत को कमज़ोर समझते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने चरित्र का प्रदर्शन करते हैं. वैसे चीज़ों के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ये उनकी थॉट प्रोसेस है. बिकॉज अगर वो ये भूल चुके हैं वो कहाँ से आए हैं, अपने जड़ को वो भूल सकते हैं, और आप उनको ही उंगली करके बोलते हैं वो कमज़ोर हैं, तो ये आपकी सोच है राइट. तो मेरा ये मानना है औरतें बहुत ही स्ट्रांग थी, स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेंगी. ये एक अलग चीज़ है कि आज हमारा अवेयरनेस बढ़ गया है, धकियानुसी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कम हो रही हैं, थैंक्स टू आप जैसे मीडिया जो बहुत ही सशक्त काम कर रहे हैं, अग्रसर होकर काम कर रहे हैं. तो वो सारे मुद्दे को सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है राइट. एजुकेशन स्ट्रांग हो रही है. पहले थे पंडित जी बोलते थे औरतें वेद नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि पहले ही उनके हाथ पैर काट दो. तो ऐसा नहीं, आज फैमिली भी अपने अपने फीमेल चाइल्ड को उतने अच्छे से पढ़ाती हैं और एक फंडामेंटल राइट्स देती हैं. तो मेरा ये मानना है औरतें बहुत स्ट्रांग हैं, और जो भी आप करें दिल से करें, और एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद अगर आप बहुत अच्छी बहन हैं या बहुत अच्छी पत्नी हैं,
तो कहीं बहुत अच्छी माँ है, पर कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को अपने आप से ना खोए, थोड़ा टाइम आप अपने आप के लिए भी दें, थोड़ी फिटनेस के लिए, थोड़ी सी अपने खुद के लिए और सेल्फ लव के लिए, तो मेरे ख्याल से सब कुछ बैलेंस रहेगा। अभी सब फील्ड में महिला तो उतर जी, बॉडी बिल्डिंग में भी महिला उतरे, इसके लिए आप क्या बताओगे? देखिए बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स है और जो मेरी कैटेगरी है वो फिजिक एक्टिव है, और मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स ने भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, और जितनी भी आज मेरी फैन फॉलोइंग है और मैं एक फिटनेस अलग के तौर पर जानी जाती हूँ, तो इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से जानी जाती हूँ, तो मेरा ये मानना आप बहुत ही आगे आकर इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को लें, बिकॉज इसके अंदर अच्छी ग्रोथ है, अच्छी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं फिटनेस के साथ जुड़ने का भी आपको मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे प्लान करते हैं और आपके ड्रीम क्या है। तो यहाँ होता है मिस वर्ल्ड श्वेता राठौड़ जी, त्यांनी एक महत्त्वाचं इथं विधान स्पष्ट केलं आहे की हरीश सुतार आणि जे राज्य आहेत मनसेचे यांच्या माध्यमातून मीराबाई शहरामध्ये नक्कीच बॉडी बिल्डिंगसाठी एक स्टुडिओ टाकणार, महिलांना एक चांगला बॉडी बिल्डिंगचं मार्गदर्शन किंवा योगदान करण्यासाठी श्वेता राठौड जी यांचा इथे हातभार लागेलच। ताज्या व ठळक बातम्यांसाठी आदर चॅनल सबस्क्राइब करा।